प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन से साल 2047 तक भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बन जाएगा। देश की जनता लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करेगी। ये बातें भाजपा के रोहतक, हिसार व सिरसा लोकसभा क्लस्टर प्रभारी राष्ट्रीय परिषद सदस्य राव नरबीर सिंह ने गांव चलो अभियान के तहत आज बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव डोरका व हयातपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। राव नरबीर सिंह ने कहा कि 2014 से पहले देश प्रदेश बदहाल स्थिति में था। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत की ताकत का लोहा मनवाया है। वहीं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित कर अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि आज देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पीएम नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए राव ने कहा कि 500 सालों के बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन में यह पल देखने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि मनोहर लाल ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को चरितार्थ किया है। 2014 से पहले हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कराया। मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सभी जिलों का समुचित विकास कराया तथा अहिरवाल के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि अहिरवाल के समर्थन से ही हरियाणा में सरकार बनती है, लेकिन मनोहर लाल के अलावा किसी मुख्यमंत्री ने अहिरवाल का विकास नहीं कराया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरी मांग पर गुरुग्राम जिले के भांगरौला गांव में विश्वविद्यालय व खेड़ की माजरा में मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी की। इसके अलावा 9600 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे व 200 करोड़ की लागत से सोना एलिवेटेड हाईवे बनाकर गुरुग्राम के विकास को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। कार्यक्रम में सुरेश नंबरदार ने बताया कि राव नरबीर सिंह ने मंत्री रहते हुए गांव डोरका में 10 से 12 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्य के लिए मंजूरी दी और उन्हें करवाया। 4 साल हो गए और चुनाव से तकरीबन 5-6 महीने पहले मैं आपके बीच में आया था। आपने जो मान सम्मान दिया उसका मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज से 9.5-10 साल पहले आप लोगों ने देश में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोगों ने बनाई। 1952 से इस देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और हर पंचवर्षीय योजना में आप लोगों ने एक सरकार बनाई। लेकिन 2014 से 2024 तक जो विकास के काम इस देश में प्रदेश में हुए मेरे से बड़ी उम्र के तकरीबन लोग हैं, आपने देखा होगा उतना विकास इस गुड़गांव जिले में नहीं हुआ। देश में हम सोचे कि आज देश का कितना नाम है। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं दुनिया में देश का नाम है। हिंदुस्तान की 2014 से पहले विधायक बना, मजीद बना,
छोटी चीजों के भी नहीं लड़ता रहता था विधायक, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी ना विकास के काम हो पाते थे। लेकिन 14 में सरकार बनने के बाद ये कितने विकास हुए ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी थी, ना मेडिकल कॉलेज था, ना फ्लाई ओवर थे, ना अंडरपास थे, और अकेले गुड़गांव जिला नहीं, सारे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में मनोहर लाल जी ने सीमित विकास किया। ये नहीं कह सकते कि मनोहर लाल जी करनाल से एमएलए है तो करनाल का ज्यादा विकास हुआ। साथियों ऐसी बात नहीं, उतना ही काम गुड़गांव जिले में, उतना ही रेवाड़ी में, उतना ही महेंद्रगढ़ में और उतना ही करनाल में हुआ। मुझे अभी 3 लोकसभा का प्रभारी बनाया गया और मैं 24, 25, 26 को हिसार, सिरसा और कल रोहतक मीटिंग लेके आया। साथियों जब मीटिंग हो रही थी तो आप जो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वहां का जिला प्रमुख हो या जनरल सेक्रेटरी जो भाजपा के बड़े कार्यकर्ता है, वो सब हर जिले में पूरी पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट में 3-3 जिले आते हैं, उनके अधिकारी वहां, पदाधिकारी वहां थे, सब ने एक बात कही कि राशन आपने सड़कों का हमने जो कहा वो सारा का सारा 6 महीने में आपने पूरा किया। ये है आपकी उपलब्धि। एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि आप, हमने जो टेलीफोन किया वो काम ना हो पाया हो। और मैं तो आपसे भी कहा करता कि यदि कहीं रिश्तेदारी में खा पी के भी हाँ भरिया होगे और 33 फुट का रास्ता होगा तो मेरे से बता देना, मैं बना दूंगा और वो सड़क बनी होगी। ये है विकास का काम। अब 2019 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के 40 MLA आए, समझौते की सरकार चली। और भाई दुनिया में कहते हैं समझौता तो समझौता है, तो समझौते में सरकार वो काम नहीं कर पाती जो एक आदमी मालिक हो वो कर पाता है। मनोहर लाल जी ने बहुत व्यवस्था परिवर्तन काम किया है, लेकिन कई बार जब कोई चीज व्यवस्था परिवर्तन होता है तो उसमें कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन उस व्यवस्था परिवर्तन का पूरा होने के बाद इतना आसान काम होता है कि आम आदमी ये सोचता है कि आप घर बैठे पेंशन आ जाएगी, आपके कार्ड आ जाएंगे, आधार कार्ड बन गया, सब कुछ आपका घर बैठे हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आई है, लेकिन समय अनुसार ये ठीक हो जाएगा। आम आदमी को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत से विकास के काम आपके वैसे ही हो जाएंगे। पोर्टल पे हर दालों में बहुत से लोगों को पोर्टल चलाना नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता नौजवान बच्चे इनको चलाना आ जाएगा और किसी सरकारी दफ्तर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर बैठे काम हो गए, ऐसी व्यवस्था हो रही है। साथियों हालात बदले, देश में कई साल तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो विकास नहीं किया जो इन 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश में किया। आज हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया में 3rd नंबर पर पहुंचने वाली, आप सोचो हिंदुस्तान विश्व शक्ति बनने वाला है, दुनिया में यदि कहीं कोई दिक्कत आ जाए, कहीं कोई युद्ध हो जाए तो बाहर के राष्ट्राध्यक्ष ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहें तो ये युद्ध रुक सकता है। कितनी बड़ी हमारी शक्ति है, ये छोटी बात नहीं साथियों। जिस भारत की गिनती किसी चीज में भी नहीं होती थी वो आज विश्व शक्ति बनने को तैयार है। और साथियों पिछली बार मेरी राजनीतिक कारणों से टिकट कट गई, भाई हर बार तो मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी पार्टी से तो है नहीं, इस पर पार्टी मुझे टिकट देके मैं चुनाव लड़ूंगा। और आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं कि भाई यदि आपको लगे कि भाई नरवीर सिंह ने आपका विकास किया है, आपका मान सम्मान कर सकता है, इलाके की भलाई कर सकता है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपके नरवीर सिंह की वोट देना। और आपको यदि लगे कि भाई नरवीर सिंह से बढ़िया और कोई कैंडिडेट है तो मैं ये भी कहता हूं कि भाई उसकी दे देना, ये तो खैर हमारी बिरादरी का गांव है, मैं तो और बिरादरी में भी जाकर कहता हूँ, धर्मपाल वाली जाट बिरादरी में भी जाकर कहता हूँ कि भाई जाट तो मैं बन नहीं सकता, परमात्मा ने जन्म दिया, आहिर के घर जन्म लिया है, कोई गंदा जल के छींटे मार दो मैं जाट बन जाऊं तो। लेकिन भाई MLA MP काम ना तो सरपंच कोई एक जाति से बढ़ सकता है, ना कोई मेंबर पार्लियामेंट, ना कोई विधायक एक जाति से बढ़ सकता है, काम के आधार पर वोट दो। यदि आपको लगे नरवीर सिंह ने 36 बिरादरी का काम किया है तो भाई मैं आपका वोट का अधिकारी हूँ। और भाई मेरे तो लखन सरपंच और सरपंच जो बैठे हैं, ये सही बात है भाई, धर्मपाल वाली एक पंडित जी बैठा सैदपुर वाले, तकरीबन जब मैं चुनाव लड़ा मेरे सारे के सारे खिलाफ थे, लेकिन भाई किसी
मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ये नहीं कहा कि कोई आदमी काम के लिए आया हो कि भाई फला आदमी को लेकर तो मैं काम करूंगा। मैं तो काम पूछता हूं, मेरे से हो सकता है तो मैं हाँ और ना हो सकता है तो एक सेकंड में ना दोबारा